एक राग का पूरा असर डालना है मुझे, उसका पूरा मूड, उसकी पूरी आत्मा इंजेक्ट करनी है लिरिक्स में, तो शुद्ध राग में कंपोज करें, वो ज़्यादा अपील करेगी। तो देखिए, मैंने आपको लक्षण बताया अच्छी कंपोजिशन के, उसमें न्यास होना चाहिए दोस्तों, एक ठहराव का एलिमेंट दिखना चाहिए उसमें दोस्तों। कम स्वरों का प्रयोग तो मैंने कोशिश की, क्यों? क्योंकि 5 स्वर का राग लिया मैंने, 12 स्वर है हमारी शास्त्रीय संगीत में, मैं 5 स्वरों में ही आपको कंपोजिशन करके बता रहा हूँ। और अगर अच्छी लगे आपको तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी फेवरेट राग भी बताइएगा जिसमें आप चाहते हैं कि मैं कंपोज करने की कोशिश करूँ, कमेंट बॉक्स पे लिखे कि सर इस राग पे कंपोजिशन करना सिखाएं, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष शेयर करूंगा मैं कि हाउ टू कंपोज अ सॉन्ग। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास इस लेक्चर के लिए कि सर कंपोजिशन पे भी आप कुछ लेक्चर बनाएं, तो आज आपकी खिदमत में मैं ये बहुत ही गजब का टॉपिक आपके समक्ष लेके आया हूँ मेरे अनुभव के अनुसार, क्योंकि मैंने 6 साल का अभी तक मुझे अनुभव है दोस्तों कंपोजिशन करने का। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, अनेक एनजीओ से मैं जुड़ा हुआ हूँ जिनके लिए मैं समय समय पर कंपोज करता रहता हूँ। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कंपोजिशन के राज बताने वाला हूँ, किस प्रकार हम कंपोज करें, क्या क्या उसमें तत्व होते हैं, कितनी टाइप्स की कंपोजिशन होती है, और अपनी स्वयं की एक कंपोजिशन मैं आपको कंपोज करके बताऊंगा कि किस प्रकार मैंने उसको कंपोज किया, कौन सी राग का प्रयोग किया, कौन सी राग का प्रयोग हो सकता था इसमें, और किन किन चीज़ों का, किन किन नॉलेज का एप्लीकेशन हमको कंपोजिशन में ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं दोस्तों। यूट्यूब पर इस चीज़ पे आपको बहुत रेयरली आपको टॉपिक मिलेगा दोस्तों, साउंड प्रोडक्शन, म्यूज़िक प्रोडक्शन सेटअप के लिए आपको अनेक टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल म्यूज़िक के कंपोजिशन की बात होती है दोस्तों, स्वर रचना किस प्रकार करें, तो वो बहुत रेयरली आपको YouTube पे मिलेगा। तो लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, लेक्चर पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जहाँ हम कंपोजिशन की बात करते हैं वहाँ पे दो सवाल हमारे पास आते हैं कि कंपोजिशन हम राग बेस्ड करें या फिर नॉन राग बेस्ड करें। अब अगर हम इतिहास उठाकर देखें, कोई भी कंपोजिशन जो कि एक राग पर आधारित है, मैं शुद्ध राग की बात नहीं कर रहा, यहाँ तक कि मिश्र राग पर ही आधारित है, लेकिन किसी राग का असर है उसमें, तो वो लंबे समय तक कायम रही है दोस्तों। आज भी आप जब भी मैं ये गाना गाऊँ, मधुबन में राधिका नाचे रे, दिस इज राग हमीर, या फिर जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक, ये राग दरबारी है, या फिर रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, ये राग किरवानी है। कोई भी कंपोजिशन एक बेस हमारा शास्त्रीय संगीत है, उस बेस को लेके चलती है, वो लंबे समय तक दोस्तों कायम रहती है। कई कंपोजिशंस आजकल के परिवेश में बात करें तो वो नॉन राग बेस्ड है, इसलिए हम कहते हैं कि आजकल की कंपोजिशन बरसाती हैं, कुछ समय के लिए रहती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। मैं आज आपको जो कंपोजिशन अपनी स्वयं की बताऊंगा वो एक राग बेस ही बताऊंगा, लेकिन मैंने हल्का सा उसका मिश्र स्वर का भी प्रयोग किया, मतलब वो स्वर जो राग में लगता नहीं है एक आध जगह, लेकिन फिर भी शुद्ध राग में मैंने उसको कंपोज करने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। देखिए, जहाँ भी हम राग पर आधारित कंपोजिशन की बात करते हैं दोस्तों, हमारा मान लीजिए लक्ष्य है कि हमको एक पर्टिकुलर राग में करना है, तो सर्वप्रथम हमको ये देखना चाहिए कि उस राग का क्या भाव है, क्योंकि देखिए हर एक राग का एक भाव होता है, उस भाव के आधार पर उसके रस की निष्पत्ति होती है। रस, हर एक राग में एक रस होता है, हमारे शास्त्र में नाट्य शास्त्र की अगर मैं बात करूँ तो 8 रस बताए गए हैं भरत मुनि जी ने, भयानक, करुण, श्रृंगार, हास्य रस, रौद्र, अद्भुत और वीर रस, ये 8 रसों
का लिंक सीधा स्वरों से आता है और स्वरों का लिंक सीधा राग से आता है दोस्तों। देखिए एकदम सिस्टमैटिक अप्रोच मैं लेके चल रहा हूँ जिससे कंपोजिशन करने के लिए आपके दिमाग में फ्रेमवर्क बन सके। तो ये 8 रस, इसके अलावा एक और रस अभिनव गुप्त जी ने जोड़ा था जिसको हम कहते हैं शांत रस, तो हमारे 9 रस हो गए जिसको हम नव रस कहते हैं। तो आपके दिमाग में सर्वप्रथम ये चीज़ चलनी चाहिए कि मैं कौन सा राग सेलेक्ट करूं। अच्छा, राग कई बार सेलेक्ट किसके आधार पे होता है? लिरिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों कंपोजिशंस में भी 3 सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन पे भी अपनी कंपोजिशन डिपेंड करती है। अब देखिए, अगर चंचलता आपको लानी है कंपोजिशन में दोस्तों तो शुद्ध स्वरों का प्रयोग होगा। ये गंभीरता आपको लानी है तो कोमल गंधार का। जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक कंपोजिशन देखिए, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में। ये राग शिवरंजनी है दोस्तों, इसका जो मोड है दोस्तों वो गंभीरता, गंभीर से एक सीरियसनेस है इसमें दोस्तों। लेकिन अगर मैं इसमें गंधार को शुद्ध कर देता हूँ तो वो राग भोपाली हो जाती है। अब भोपाली अगर वो हो जाएगी तो उसमें चंचलता आ जाएगी, मेजर हो जाएगा उसका टॉनिक। तो लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा थोड़ा। या फिर आप एक और गाना लीजिए, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। ये भी राग भोपाली का असर लिया हुआ है, एक चंचलता, एक वीरता का आपको रस दिख रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं जहाँ सैडनेस की बात करूँ वहाँ पे देखिए आप शिवरंजनी कितनी कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें गंधार कोमल है और कोमल स्वरों में एक इमोशंस, एक पैथोस की फीलिंग्स ज़्यादा होती है दोस्तों। तो देखिए आप, मेरे नैना सावन बादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो ये आरडी बर्मन साहब ने देखिए एक इमोशंस लाने के लिए माइनर का राग चुन लिया। वैसे माइनर मेजर राग्स पे मैंने लेक्चर बना रखे हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं है कि मेजर में इमोशनल कंपोजिशंस नहीं हो सकती, हो सकती है। देखिए, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ये इमोशनल कंपोजिशन है। अगर आप इस फिल्म की सिचुएशन देखें तो कितने इमोशंस भरे हुए हैं। या फिर अभी मुझने कही वाकई थोड़ी सी है जिंदगी, ये भी एक इमोशनल कंपोजिशन है जो कि मेजर में है। और माइनर में आपको एक चंचलता भी दिख सकती है। देखिए, मुझ में सफर तू करती रहे शाम सुबह, तू मेरा तेरे बिना क्या मेरा दो जिस्म जा एक है, ना हो ना कभी तू जुदा तेरी मेरी कहानी। आप डांस करने लग जाएंगे, ऐसी कंपोजिशन है लेकिन माइनर में है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। माइनर की कंपोजिशन में आप एक श्रृंगारिकता, एक चंचलता ला सकते हैं, मेजर की कंपोजिशन में आप सैडनेस ला सकते हैं। समझ आ रही है? तो ये मैंने आपको बेस क्लियर किया। एक तो राग का ध्यान रखना है, नॉन राग करना चाहे तो फिर आप 10 थाटों में चली जाएं, उसमें भी आप कंपोजिशन कर सकते हैं। राग डिसाइड कर ली, राग से मेरा भाव उत्पन्न होता है, भाव से मेरा रस उत्पन्न होता है। फिर मैंने आपको 9 तरीके के रस बताए। इसके साथ साथ मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको कंपोजिशन में क्या चीज़ लानी है। अगर आपको श्रृंगारिकता लानी है, चंचलता लानी है तो आप शुद्ध स्वरों का ज़्यादा प्रयोग करें। अगर आपको एक सीरियसनेस लानी है, एक विरह का एलिमेंट लाना है, थोड़ी गंभीरता लानी है, कोमल स्वरों का आप प्रयोग करें। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन की 3 सिचुएशंस होती हैं। पहले लिरिक्स लिख दी, फिर कंपोजिशन हो रही है, ये मेरी एक सिचुएशन हुई, जो कि आइडल सिचुएशन ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा है आजकल। पहले लिरिक्स लिख दी जाती है और फिर कंपोजिशन होती है। देखिए, सिर्फ बॉलीवुड को माइंड में रखते हुए आप मत सोचें। आप तो ये माने आपके समक्ष लिरिक्स आ गई है, उस लिरिक्स का मोड समझें, उसका क्या मोड है, क्या उसके शब्द हैं, शब्दों का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ निकल रहा है, क्या उद्देश्य है लिरिक्स का, उसके अनुसार राग का सिलेक्शन होगा दोस्तों। दूसरी सिचुएशन क्या होगी दोस्तों, कंपोजिशन पहले हो जाए, मतलब स्वर रचना पहले हो जाए और बाद में शब्द रचना हो, ये दूसरी सिचुएशन आ गई।
तीसरी सिचुएशन जो जिसमें मैं भी रहा हूँ, मैं तीनों सिचुएशंस में मैं रहा हूँ। तीसरी सिचुएशन दोस्तों, कंपोजिशन भी चल रही है और साइड बाय साइड लिरिक्स भी चल रही है, दोनों चीज़ें पैरेलल है। ये तीसरी सिचुएशन थोड़ी कम देखने को मिलती है। पहली सिचुएशन सबसे समझाने के लिए आपको सबसे ईजी है, इसलिए मैं पहली सिचुएशन लेके चलूँगा। हम एक लिरिक्स लेंगे, लिरिक्स के आधार पर मैं आपको उसको कंपोज करने की, आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। लिरिक्स मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, उस लिरिक्स को हम किस प्रकार स्वरों में डालें, किस प्रकार स्वर सौंदर्य की उत्पत्ति करें उस लिरिक्स में, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो आई होप आपको ये तीन सिचुएशन समझ आ गई कि पहले लिरिक्स लिख दी फिर कंपोजिशन, पहले कंपोजिशन कर दी फिर लिरिक्स, लिरिक्स भी साथ में कंपोजिशन भी साथ में, ये तीन सिचुएशंस होती हैं। तो ये दो बातें हमने जानी। अब हम आते हैं मूल रूप से कंपोजिशन पे। देखिए अच्छी कंपोजिशन के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, कम स्वरों का प्रयोग करो तो लोगों को ज़्यादा अपील करेगा। पान का पुदीना देखा ना खाना कहीं ना देखा चिकनी चमेली देखी, ये मैं गाना गा रहा हूँ, आप डांस करने पे मजबूर हो जाएंगे। या फिर हायो रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा, या फिर सावन में लग गई आग दिल में रख है। अब इनमें ज़्यादा स्वरों का प्रयोग नहीं हुआ है, समझ लें दोस्तों। कंपोजिशन अगर आपको मास अपील करना है तो कम स्वरों का प्रयोग करें, उसमें ठहराव अगर आप चाहते हैं कंपोजिशन एक सूदिंग कंपोजिशन बने, सुनने में कर्ण प्रिय हो, तो उसमें थोड़ा ठहराव होना चाहिए। उस पर न्यास, न्यास मीन्स रेस्ट। आप देखिए मैं एक कंपोजिशन बताता हूँ, आज भी आप उस कंपोजिशन को याद करते हो, ये कहाँ गए हम यूं ही साथ साथ चलकर, ये राग झंझोटी का प्रयोग किया है शिव कुमार शर्मा जी और हरि प्रसाद चौरसिया साहब ने। आप न्यास देखिए इसमें रेस्ट, ये कहाँ अब ये कहाँ गए हम, तो ये चीज ठहराव जितना होगा कंपोजिशन में आपकी रचना में, वो कंपोजिशन और अच्छी लगेगी। आप देखिए पल पल दिल के पास तुम रहती हो, समझ रहे हैं? इसका टेम्पो देखिए, एक ठहराव का एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, तो ये अच्छी लग रही है। तो एक अच्छी कंपोजिशन के लक्षण, उसमें ठहराव हो, उसमें न्यास हो, कोशिश करें कम स्वरों का प्रयोग हो, और मूड मैंने आपको बता ही दिया, सीरियस करनी है तो आप माइनर में जाएं, और अगर आपको एक चंचलता लानी है आप मेजर में जाएं। आज मैं आपको जो कंपोजिशन बताऊंगा दोस्तों, वो मैं सारे एंगल से डिस्कस करता हुआ चलूंगा। जो मैं राग लूंगा दोस्तों, उस राग का नाम है शिवरंजनी। अगर नहीं सीखिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं उसके आपको बेसिक स्वर बता दूंगा, उसमें हम कंपोजिशन आज करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। शब्द क्या हैं दोस्तों, पहले मैं आपको शब्द बता दूं, फिर उन शब्दों को अपन स्वरों में कंपोज करने की दोस्तों कोशिश करेंगे। देखिए शब्द क्या है, एक नगरी फरिश्तों की जहां आते हैं शिव भगवान। सिंपल से शब्द हैं दोस्तों, एक नगरी फरिश्तों की जहां आते हैं शिव भगवान, ये मेरे शब्द हैं, ये मेरी शब्द रचना है, ठीक है दोस्तों। इसको अगर स्वरों में पिरोना है अपन को, तो मान लीजिए मैं राग मैंने ली दोस्तों, अपन राग लेते हैं शिवरंजनी, पांच स्वर का राग है। देखिए सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा, अब इसमें ग शुद्ध कर दूं, सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा, तो राग हो जाती है भोपाली। इसमें रे और ध कोमल कर दूं, सा किसमें, भोपाली में, भोपाली को बेस मान रहा हूं मैं दोस्तों, सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा, बेसिक राग है एकदम। इसमें ग कोमल कर दूं दोस्तों, सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा, ये राग शिवरंजनी हो जाती है। भोपाली में अगर रे और ध कोमल कर दूं, दो स्वरों को विकृत कर दूं, तो मेरा राग हो जाता है विभास, सा रे ग प ध सा साधा पगर सा। भोपाली में ही अगर मैं दैवत कोमल कर दूं तो राग हो जाती है भोपकली, सरे का पाधा सा साधा पगर सा। मजे की बात, दो रागें साउथ की हैं, एक तो राग शिवरंजनी और एक राग भोपकली, लेकिन हमारे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में इन दोनों रागों का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। मैंने आपको दो गाने तो बताए, अब देखिए
दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजे। ये राग भूप का लिया। और शिवरंजनी तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे गाने हैं इसमें। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। सैडनेस का एलिमेंट बहुत है, इसलिए लिरिक्स भी उसी के अनुसार लिखी गई है। देखिए तो ये राग का मोड है, ये हमको समझना पड़ेगा पहले। इसलिए हम कहते हैं एक एक चीज राग के बारे में पता होनी चाहिए, ताकि उससे भाव हमको पता चल सके, और भाव के अनुसार रस होगा, और रस के अनुसार मेरी कंपोजिशन होगी। समझ आ रहा है दोस्तों? तो मेरे शब्द क्या हैं दोस्तों? एक नगरी फरिश्तों की, जहाँ आते हैं शिव भगवान। एकदम सरल से लिरिक्स हैं। अब देखिए, मैं कोशिश करता हूँ इसको शिवरंजनी में पिरोने के लिए। फाइव नोट्स पेंटाटोनिक स्केल, ग कोमल, बाकी सारे स्वर शुद्ध, ठीक है। और मध्यम और निषाद इस राग में वर्जित है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, अब एक नगरी फरिश्तों की, अगर इसको मैं ऐसे करूं, एक नगरी, कंपोजिशन असेंड करती हुई अपील करती है। देखिए, एक नगरी, एक एक नगरी, एक नगरी, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा ना? एक नगरी, हरेक शब्द के जो अक्षर हैं उस पे स्वर चेंज हो रहा है। एक नगरी, और मैंने न्यास भी दिखा दिया। मैंने आपको लक्षण बताया अच्छी कंपोजिशन के, उसमें न्यास होना चाहिए दोस्तों, एक ठहराव का एलिमेंट दिखना चाहिए उसमें दोस्तों। कम स्वरों का प्रयोग तो मैंने कोशिश की, क्यों? क्योंकि पांच स्वर का राग लिया मैंने। 12 स्वर है हमारी शास्त्रीय संगीत में, मैं पांच स्वरों में ही आपको कंपोजिशन करके बता रहा हूं। बहरहाल देखिए आप, एक नगरी फरिश्तों की, साधा पगपा, शुद्ध राग में कंपोजिशन कर रहा हूं मैं। देखिए, एक राग में ही रहकर कंपोज करना, ये एक पुरुषार्थ वाली बात है दोस्तों। मिश्र स्वरों का प्रयोग करके राग की हत्या करके तो बहुत लोग कंपोज कर रहे हैं, लेकिन मैं शुद्ध राग में कंपोज करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक नगरी फरिश्तों की, अगर इसमें मैं भोपाली यूज कर लूं दोस्तों तो कंपोजिशन देखिए, एक नगरी फरिश्तों की, या फिर एक नगरी फरिश्तों की, ये भूपकली हो गई। सिर्फ धैवत का, कोमल धैवत का प्रयोग भोपाली में, एक नगरी फरिश्तों की। अगर मैं विभास यूज करूं, मतलब भोपाली में रे और ध कोमल करूं, तो एक नगरी, थोड़ी बिगड़ गई ना कंपोजिशन। यही चीज़ हमें सोचनी है जब हम कंपोज करते हैं। पहले हमने एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया, फ्रेमवर्क क्या रहेगा हमारा, कि हमको, क्योंकि भक्ति रस है इसमें, एक नगरी फरिश्तों की, जहां आते हैं शिव भगवान। तो जहां भक्ति होती है वहां सीरियसनेस होती है, और सीरियसनेस के लिए मैंने आपको बताया विकृत स्वरों का प्रयोग। तो एक विकृत स्वर मैंने लिया कोमल गंधार, समझ रहे हैं आप? तो एक न, एक न, एक नगरी फरिश्तों की, एक नगरी फरिश्तों की। अब देखिए, जहां आते हैं शिव भगवान, देखिए, जहाँ ते हैं, मैंने न्यास भी दिखाया, मैंने आपको बताया न्यास अपील करता है दोस्तों। रेस्ट, अ कंपोजिशन इज कंसिडर्ड एज सूदिंग टू आर ईयर्स, वेयर इन देयर इज अ रेस्ट इन नोट्स। देखिए, जहाँ ते हैं, जहाँ ते हल्की सी मुर्की का प्रयोग कर दी, क्योंकि संगीत में आभूषण मैंने आपको बता रखे हैं दोस्तों, कर्ण का प्रयोग, मुर्की का प्रयोग, स्पर्श स्वर जो होते हैं दोस्तों, गमक का प्रयोग, समझ रहे हैं? तो ये आपकी कंपोजिशन को और निखारेंगे, है ना? तो जहां ते हैं शिव भगवान, शिव भगवान। तो एक बार वापस मेरी स्थाई की कंपोजिशन क्या हो जाएगी दोस्तों? एक नगरी फरिश्तों की, एक, अब इसमें थोड़ा रचनात्मकता लानी है, तो एक नगरी
समझ रहे हैं? ए राग में ही हूँ मैं, राग से अभी तक आउट नहीं हुआ हूँ। ये देखिए आपको भी एक राग का पूरा असर डालना है मुझे, उसका पूरा मूड, उसकी पूरी आत्मा इंजेक्ट करनी है लिरिक्स में, तो शुद्ध राग में कंपोज करें, वो ज़्यादा अपील करेगी। तो देखिए, एक नगरी फरिश्तों की, अब देखिए जहाँ ते हैं, जहाँ ते हैं शिव भगवान, शिव भगवान। मधुबन की पावन भूमि है जग में, एक एक स्वर नोट कीजिए, अब डिसेंडिंग आ रहा हूं मैं। मधुबन की पावन भूमि है जग में, न्यास भी दिखा दिया मैंने। मधुबन, अब यहाँ पे भोपाली यूज करूँ तो चंचलता आएगी। मधुबन की पावन भूमि है जग में, देखिए मधुबन की पावन भूमि है जग में, लेकिन मधुबन की पावन भूमि है जग में, स्वर्ग समान एक नगरी फरिश्तों की, एक नगरी फरिश्तों की। शास्त्र क्या यूज किया है? सारे गा पा धा सदा पा गा पा, पंचम वादी स्वर है शिवरंजनी का। पूरा शास्त्र बद्ध होकर रचना अगर की जाए ज्यादा असरदार बनेगी। सारे गा पा धा सदा पा गा पा, इसलिए कहते हैं नॉलेज इज विजडम। नॉलेज लेके अगर आप कोई भी चीज करेंगे हमेशा आपको सफलता मिलेगी। आपको पता होना चाहिए संगीत में आप कर क्या रहे हैं, रास्ता एक एक आपको मोड पता होना चाहिए, वरना मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे। मंजिल क्या है? इसमें भक्ति भाव लाना, इस कंपोजिशन में शिव रंजनी, और नाम भी किसका है देखिए लिरिक्स में, शिव भगवान का। तो यहाँ से भी देखिए सार्थकता बैठ रही है, जो राग का नाम है वही कंपोजिशन में उसका वर्णन आ रहा है दोस्तों, क्यों नहीं बैठेगी सार्थकता। तो देखिए सारे गा पा धा सधा पा गा पा, पा सा सारे सधा पा धा भग सारे गा, सारे सधा सधा पा धा भग सारे गा पा गर धसा, एक नगरी फरिश्तों की, एक नगरी फरिश्तों की, जहाँ ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा राग के शास्त्र को नरम कर दिया, थोड़ी इनोवेशन दिखानी है, और लाइट सिंगिंग है इतना चलता है, क्योंकि कलात्मक पक्ष अगर मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ कहीं, जहाँ ते शिव भगवान, शिव भगवान। मधुबन की पावन भूमि है जग में, स्वर्ग समान एक नगरी फरिश्तों की। तो ये मेरी कोशिश थी दोस्तों कि आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार करना, आपको एक रास्ता दिखाना कि आप किस प्रकार कंपोज कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए, राग बेस्ड, नॉन राग बेस्ड, राग के नौ रस, कंपोजिशन की सिचुएशंस, और फिर कंपोजिशन किस प्रकार हम करें एक राग को बेस मान के, उसके आसपास की राग की नॉलेज लेके, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, उसकी कंपोजिशन की अच्छी क्या लक्षण होते हैं, वो सब आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थोड़ा भी बेनिफिट हुआ हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी फेवरेट राग कौन कौन सी है जिस पे आप कंपोजिशन चाहते हैं मेरे से, वो भी कमेंट करके बताइएगा, और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपकी संगीतमयी सेवा में ऐसे ही आता रहूँगा। ओम शांति। एक नगरी फरिश्तों की, एक नगरी फरिश्तों की, जहाँ ते हैं, जहाँ ते हैं।
भगवान शिव भगवान।